आरपी भारत केवल खबरें और कुछ नहीं। नमस्कार, मैं हूं अंजलि। आरपी भारत में आपका स्वागत करती हूं। आइए नजर डालते हैं आज की किसी खास खबर पर। झरिया के नूनडी स्थित एनबीसीसी कॉलोनी गोलीकांड में घायल कुंदन कुमार धाड़ी के इंसाफ को लेकर मासस के द्वारा एक आम सभा का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता सबर गोराई ने की, जबकि संचालन प्रेम बच्चन दास ने किया। मौके पर वक्ताओं ने कहा कि 28 अगस्त को गोली चलाने की घटना की घोर निंदा की गई एवं इस घटना में शामिल अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग की गई। अपराधियों की कोई जात नहीं होती है। सुदामडी पुलिस विधवा पर केस करती है पर अपराधियों का कुछ नहीं कर पाई है। पुलिस को निष्पक्ष होना चाहिए, अपराधियों को अविलंब गिरफ्तार करना चाहिए। अगर अपराधियों को अविलंब गिरफ्तार नहीं किया गया तो मासस आंदोलन को बाध्य होगा। झरिया से मनोज साव की रिपोर्ट। में अपराधी बढ़ेगा, अपराध बढ़ेगा, अपराध घटेगा नहीं। गिरफ्तार होने से अपराधी का मनोबल टूटता है और अपराधी कमता है। अगर अपराधियों को सुधार पैदल मार्च करेंगे, थाना को घेराव करेंगे शनिवार को, ये एकदम सही है। उसके बाद भी अगर नहीं हुआ, यहाँ से एसपी साहब के यहाँ मार्च करेंगे, धनबाद पा जाए। और साथ साथ जो ये गुप्ता सरकारी जमीन में भाड़ा उठा रहा है सब, और बिमला देवी का दुकान तोड़ दिया, उसको ऊपर में बिमला देवी पर उल्टा केस किया है, उसको केस को वापस ले और गुप्ता पर केस हो, अन्यथा हम लोग ये दोनों इशू को लेकर लड़ाई बड़ी तेज करेंगे। मत संबंध अगला माह 28 तारीख को यही एनबीसीसी कॉलोनी में, न्यू कॉलोनी में यहाँ पर गोली चली और एक व्यक्ति घायल थे। सबसे बड़ी बात है जो 30 दिन बाद पुलिस के द्वारा उसके स्टेटमेंट रिकॉर्ड की जा रही है, वो भागे फिर रहे हैं, पुलिस उसकी गिरफ्तारी नहीं कर रहे हैं। लोग फोन से आज भी लोगों को, इस इलाके कॉलोनी के लोगों को धमकी दे रहे हैं। तो ये एक अंधेर नगरी हमें लगता है जो यहाँ पर झरिया में आस्ते आस्ते बढ़ते जा रही है। ऐसे अपराधिक लोग किसी भी तरीके से हम समझते हैं जो उसको छूट नहीं मिलनी चाहिए और जिला प्रशासन तत्काल ऐसे लोगों को गिरफ्तार करे। हम लोग 26 तारीख को सुदामडी थाना भी घेराव करेंगे और आगे चलकर अगर इस फिर भी इन लोगों की गिरफ्तारी नहीं होती है, इन लोगों को रोक नहीं लगाती है, तो हम लोग और लड़ाई को आगे लेंगे। मतलब पीड़ित परिवार देखिए, पीड़ित परिवार को ही इंसाफ दिलाने की बात नहीं है। हम समझते हैं जो पूरी कॉलोनी दहशत में, तो परिवार के साथ साथ कॉलोनी को या झरिया विधानसभा के लोगों को भी हम समझते हैं, जो एक हम लोग आश्वासन देना चाहते हैं, जो कानून की राज है और कानून की राज रहेगी, कोई भी अपराध करने का छूट